चाय। सुनिए, क्या हुआ? आपने सम्राट को नौकरी दे दिया? सम्राट? अरे वही लड़का जिसे हिमानी ने अपना भाई बनाया है, अब सब भूल जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, वो नहीं, अरे ऑफिस में तो वो आया ही नहीं। पर हिमानी तो कह रही थी कि वो सम्राट को आपके ऑफिस लेकर जाएगी, फिर क्यों नहीं लेकर गई? श्रद्धा, क्या हो गया है तुम्हें? एक अनजान लड़के के लिए इतनी चिंतित हो रही हो? क्या जानती हो उसके बारे में? नाम के सिवा कुछ भी तो नहीं? देखो श्रद्धा, किसी पर इतनी जल्दी भरोसा मत किया करो। वो लड़का गलत भी तो हो सकता है। वो लड़का गलत नहीं है, वो अच्छा लड़का है। जिस लड़के से बात करके अपनापन लग रहा था, दिल को सुकून मिल रहा था, वो लड़का गलत नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है भाई, मैं उस लड़के के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे वो मेरे ऑफिस में आएगा, मैं उसे नौकरी पर रख लूंगा। खुश? पता नहीं भाई, क्या जादू कर दिया है उस लड़के ने। माँ बेटी दोनों सम्राट सम्राट भज रही हैं। अब तो लगता है मुझे भी उस लड़के से मिलना पड़ेगा। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा। हाँ? क्या सोचने लगी? तो तुम सम्राट में अपने बेटे की छवि देखने लगी? ये ठीक नहीं है। देखो श्रद्धा, मैं तुमसे पहले भी कितनी बार कह चुका हूं कि पुरानी बातों को उखाड़ा मत करो, तकलीफ होती है। पर अपने दिल को मैं कैसे समझाऊं? मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। आप फिर से एक बार कोशिश कीजिए ना। अनाथालय जाकर सिर्फ इतना पता लगा लीजिए कि हमारे बेटे को कौन लेकर गया है। हम लोग वहीं जाकर के एक बार उससे मिल लेंगे। पागल मत बनो श्रद्धा, अनाथालय से कुछ भी पता नहीं चलेगा। गोद लेने वाली दंपति का नाम गुप्त रखा जाता है। मैं सब कुछ पहले से ही पता कर चुका हूँ। पर एक बार फिर से कोशिश तो कर सकते हैं। श्रद्धा, 24 साल, 24 साल बीत गए हैं, अब कहाँ कुछ पता चलेगा। फिर भी आप कोशिश तो कीजिए, आप उसके पिता हैं। क्या आपका दिल नहीं करता कि आप उसे एक बार देखें, उससे मिल लें? बड़ा होकर वो कैसा दिखता होगा ये जाने। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप उसे यहां ले आइए, बस इतना पता लगा लीजिए कि वो कहां है, कैसा है, क्या कर रहा है। उसे कोई तकलीफ तो नहीं है? खुश तो है ना वो? मैं यही जानकर अपने दिल को तसल्ली दे दूंगी। श्रद्धा, समझने की कोशिश करो। नहीं, मेरा मन बहुत बेचैन है। जब तक मैं उसे एक बार देख नहीं लूंगी, मिल नहीं लूंगी, मेरा मन नहीं मानेगा। श्रद्धा, जिद मत करो।
मान लो कि कैसे भी करके मैंने उसका पता लगा लिया तो फिर तुम क्या मिलोगी उससे? बताओगी उसे कि तुम उसकी असली मां हो और वो तुम्हारा बेटा है? वो 100 सवाल पूछेगा, क्या बताओगी, क्या जवाब दोगी उसको? वो पूछेगा कि क्यों हमने उसे अनाथालय में छोड़ दिया, तो क्या बताओगी उसे? बोल दोगी कि वो हमारे विवाह के पहले की औलाद है, इसीलिए उसका त्याग करना पड़ा? वो पूछेगा कि इसमें उसकी क्या गलती थी, उसे क्यों माँ बाप से दूर रखा गया, क्यों उसे अनाथ बना करके रखा गया, अपने माँ बाप के रहते क्यों उसे दूसरों को माँ बाप कहने की जरूरत पड़ रही है? क्या जवाब दोगी तब? वो पूछेगा कि कैसी माँ हो तुम जो अपनी औलाद को पैदा करके फेंक दिया, अपनी ममता से, अपने प्यार से सबसे दूर रखा उसे, एक बार भी सुध नहीं लिया, एक बार ये भी नहीं पूछी कि बेटा तुम कैसे हो, एक बार तुम उसे देखने नहीं आए, क्या जवाब दोगी? बोलो श्रद्धा, क्या जवाब दोगी उसे? श्रद्धा, वो तुमसे 1000 सवाल पूछेगा और तुम्हारे पास किसी बात का जवाब नहीं होगा। मान लो तुमने अपनी सफाई दे भी दी तब सारी बातें जानकर तुमसे नफरत करने लगेगा, तो क्या तुम उसकी नफरत सह पाओगी? उसकी आंखों में आंखें डालकर तुम उससे बात कर पाओगी श्रद्धा? ये बर्दाश्त कर लोगी कि तुम्हारा वो बेटा जिससे मिलने के लिए तुम 24 साल से तड़प रही हो, वो तुमसे मिलने के बाद तुमसे घृणा करे, नफरत करे, तुम्हें दोषी माने? श्रद्धा, अपने मन को समझाओ श्रद्धा, अपने दिल पर पत्थर रख लो, अपने बेटे से मिलने का ख्याल अपने मन से निकाल दो, उससे मिलकर सबकी जिंदगी खराब हो जाएगी, ना तो वो हमसे मिलकर खुश रह पाएगा और ना तुम रह पाओगी। बस भगवान से ये प्रार्थना करो कि वो जहां भी हो खुश हो और प्रसन्न रहे, वो किसी चीज की तकलीफ ना हो, बस इसी में सबकी भलाई है श्रद्धा। हाँ, इसी में सबकी भलाई है, इसी में सबकी भलाई है। भैया जब से वापस आए हैं ना, तब से वो बहुत डरे हुए हैं। भैया तो कह रहे थे कि हमें घर छोड़कर जाना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए, और मुझे घर से बाहर निकलने से भी मना कर दिया है। लेकिन अब क्या, 2 दिन के बाद भी उनका डर खत्म नहीं हुआ है, अब तो कुछ और बड़बड़ाना शुरू कर दिया है। बार बार कह रहे हैं कि मैडम आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं अपनी बहन का विवाह करा दूंगा। hmm.
मैडम, एक तो बार उन्होंने दीपक का भी नाम ले लिया। कोई कुछ नहीं करे, कुछ नहीं, वो विवाह करा देंगे। पहले मुझे शक था, लेकिन अब पूरा विश्वास हो गया है कि रूपा के कहने पर दीपक ने ही मेरे भैया का अपहरण किया था। उसी ने मेरे भैया को इतना डरा दिया है। हो सकता है, वो कितनी नीच औरत है यह हम सबको अच्छी तरह से पता है, और वो अपनी जिद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। जीजा जी को भी उन्होंने अपने हाथों की कठपुतली बना लिया है। भाई साहब, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। उन लोगों के करतूत की सजा उन्हें दिलाकर रहूंगी। मैं उन लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाऊंगी। जरूर लिखवाना, लेकिन पहले मैनेजर साहब का ठीक होना जरूरी है। मैनेजर साहब एक बार ठीक होकर पुलिस को बयान देंगे ना, तो पूजा की सास को कोई नहीं बचा सकेगा। वैसे तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया है मैनेजर साहब को? नहीं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं किस डॉक्टर से दिखाऊं, क्या कहूं उनसे। तुम चिंता मत करो मोनिका, मैं एक बहुत बढ़िया मनोचिकित्सक को जानता हूं। वैसे तो वो बहुत बिजी रहता है, पर मैं बात करके जल्द से जल्द उससे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करता हूं। हेलो मैडम, एक मरीज को दिखाना था डॉक्टर से। जी, कब? ओके ओके, ठीक है। नाम? जी, ओम प्रकाश जी। जी हाँ जी, मेरा ही नंबर है, आप नोट कर लीजिएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। मोनिका, 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला है। 3 दिन बाद का? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, क्यों ना हम लोग किसी दूसरे डॉक्टर से दिखा लेते हैं। मोनिका, तुम घबराओ मत, मैनेजर साहब ठीक हो जाएंगे। ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। एक काम करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, ठीक है? मैनेजर साहब को भी देख लूंगा, चलो। आइए भाई साहब, आइए। भैया, भैया, सुधाकर भाई साहब आए हैं। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब। ये क्या हालत बना ली है आपने? क्या हो गया है आपको? मोनिका बता रही थी कि आप बहुत डरे हुए हैं, क्यों? किस बात का डर है आपको? ठीक है, आप कुछ मत बताइए, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, पर आप डरिए मत, हिम्मत रखिए। मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, और ना ही मोनिका को। मेरे ऊपर इतना तो भरोसा है ना आपको? बताइए,
क्या बात है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ भैया, सुधाकर भाई साहब के रहते आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। Ha 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 ha